तो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बाइट नॉलेज ऑफ आईटी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड में जो पेज होते हैं उसका सेटअप कैसे करेंगे दोस्तों। चाहे प्रिंट करना हो या फिर कोई भी काम करना हो, किसी डिजाइन तैयार करनी हो, लेकिन सबसे पहला सवाल आ जाता है कि पेज सेटअप को कैसे करें, क्योंकि अगर पेज सेटअप ही गलत हो गया दोस्तों तो हम आगे का कार्य ही नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी लेते हैं तो वो हमारे लिए कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि जब हम दोबारा पेज सेटअप करेंगे तो वो फिर से हमें सेट करना पड़ेगा दोस्तों। चाहे प्रिंट निकालना हो, चाहे कोई काम करना हो, या फिर कोई आइडेंटिटी कार्ड बनाना हो, या किसी प्रकार की मार्कशीट बनाना हो, तो दोस्तों सबसे पहले पेज सेटअप करना हमें आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और आज की इस वीडियो में ये बहुत खास वीडियो होने वाली है, और आज की इस वीडियो में कंप्लीट पेज सेटअप हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी नई नई चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी जो कि अन्य वीडियो में आपको नहीं मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एमएस वर्ड को यहाँ से ही क्लिक करके खोल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने लिख रखा है एमएस वर्ड में पेज सेटअप कैसे करें, तो दोस्तों आज हम यही सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में पेज सेटअप कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पेजेस के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये होता है हमारा पेज, और पेज के जो इस साइड में, जैसे ये टेक्स्ट लिखने के बाद में जो एरिया ऊपर का छोटा होता है, इसे हम कहते हैं मार्जिन दोस्तों, इसको हम कहते हैं मार्जिन मार्जिन। और ये होता है हमारा लिखने का एरिया, डॉक्यूमेंट एरिया दोस्तों। दोस्तों इसके बाद में आपको करना क्या है कि यहाँ पर देखो होम टैब मिल जाता है, इंसर्ट मिल जाता है, पेज लेआउट में जाना है दोस्तों। यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं पेज को सेटअप करने के लिए, लेकिन दोस्तों आपके काम के पेज सेटअप करने के लिए एक ये मिलता है आपका, कौन सा, साइज, और दूसरा मार्जिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइज पर से दोस्तों। मार्जिन तक जरूर देखना वीडियो को, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार हमें प्रिंट निकालना होता है, कुछ भी करना होता है, तो हमें ये चीज़ आनी चाहिए। तो दोस्तों पहली बात तो ये बने बनाए मिल जाते हैं, और सबसे ज़्यादा A4 चलता है, तो मैं A4 पे क्लिक करूंगा तो A4 हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से मैं इस पर क्लिक करने के बाद में मोर पेपर साइज में जाऊँगा, और जाने के बाद में देख सकते हैं गाइस यहाँ पे A4 सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर आप अपने मन के मुताबिक साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, आप चाहे जितना भी साइज, हाइट वाइट चेंज कर सकते हैं, वाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल चेंज कर देता हूँ, चेंज कर दिया, चेंज कर दिया, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू, देख सकते हैं आप बढ़ रहा है यहाँ पे बराबर, ये आ जाता है आपका कस्टम साइज गाइस, कस्टम साइज। चलिए मैं इसको A4 कर देता हूँ, आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, आपको जैसा सही लगे वैसा कर दीजिए। तो फिलहाल मैंने इसे कर दिया यहाँ से कैंसिल। तो गाइस आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सीख लिया होगा इतना कि यहाँ पे क्लिक करना है, देन उसके बाद में आपको मोर पेपर साइज में जाना है, और यहाँ से सिंपली आपको जो भी साइज आपके पेज का है, जो प्रिंट निकलने से पहले जो पेज का साइज है वो जरूर चेक कर लें, या फिर कोई डिजाइन बना रहे हैं किसी भी चीज़ की तो उसका साइज जरूर चेक कर लेना है गाइस। उसके बाद में आता है हमारा मार्जिन। मार्जिन तो बहुत ही काम की चीज है, और इससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ फटाफट। तो मैंने पैराग्राफ यहाँ पे ले लिया, इक्वल रेंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर बटन। गाइस पैराग्राफ लेने के बाद में अभी आप देख सकते हैं पैराग्राफ तो ले लिया हमने है, अभी मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद में मैं पूरे टेस्ट को सिलेक्ट करके गाइस बस मैं एक सिंपल सी शॉर्ट की प्रेस करने वाला हूँ, जो कि आप लोग भी सीख लीजिए दोस्तों, बहुत काम आने वाली है। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई कर देता हूँ ताकि टेस्ट कुछ अच्छा लगे गाइस, आप देख सकते हैं। और मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके इसका मैंने साइज भी थोड़ा कम कर लेना है गाइस, तो मैंने इसका साइज जो कर दिया है वो कर दिया है 16 गाइस, देख सकते हैं। देन उसके बाद में अभी आप देखेंगे कि ऊपर कितना साइज छूटा है, इधर कितना छूटा है, तो आप इसे कम करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। पेज लेआउट टैब में जाना है, देन मार्जिन में जाना है। मार्जिन में जाने के बाद में आपको यहाँ पर ढेर सारी मार्जिन मिल जाती हैं गाइस। मैंने मार्जिन आपको बता दी क्या होती है, जो लिखा हुआ टेस्ट उसके बाहर जो साइज छूटता है उसको मार्जिन कहते हैं, याद कर लीजिए गाइस, बहुत काम की चीज़ है। नेरो मार्जिन में छोटा छोटा रहेगा, देख सकते हैं आप इस तरीके से। और अगर आपको बिल्कुल नहीं रखनी है, फॉर एग्जांपल कस्टम मार्जिन में जाना है, और इस यहाँ पे समझ लेते हैं टॉप में कितनी रखनी है वो यहाँ पे बता दीजिए, लेफ्ट में कितनी रखनी है, बॉटम में कितनी रखनी है, राइट में कितनी रखनी है, गटर और गटर गाइस ये बहुत काम की चीज़ है। गटर पोजीशन के बारे में समझ लीजिए, बहुत काम की है।
जब आपने देखी होंगी कई सारी बुक्स जो होती है, मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं इस तरीके की जो बुक्स होती हैं या जो नोट्स होते हैं गाइस, इसमें क्या होता है स्प्रिंग लगे होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ज्यादा दब जाता है, पेपर ज्यादा दब जाता है, और जिससे अक्षर जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते। इस वजह से हम गटर पोजिशन लगा देते हैं जिसकी वजह से अक्षर जो है हमें दिखाई देते हैं, वो कैसे? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ गटर पोजिशन को, मैंने कर दिया इनेबल। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रीव्यू में कुछ इस तरीके का आ रहा है, जब मैं इसे ओके करूंगा तो देख सकते हैं इधर से टेस्ट जो है उधर की साइड चला जाएगा, इसलिए चला जाएगा क्योंकि हमने गटर पोजीशन को इनेबल किया है, और इधर हम स्प्रिंग अब आसानी से लगा सकते हैं और हमारा टेस्ट भी खराब नहीं होगा गाइस। तो चलिए गटर पोजीशन आपने जान लिया, देन उसके बाद में अभी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, यहाँ पे मार्जिन जहाँ आप जीरो भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं टॉप में आपको जीरो करके दिखाता हूँ, जीरो 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 जीरो, तो ये हो गए हमारी टॉप में जीरो, और लेफ्ट साइड में भी आपको मैं जीरो करके दिखाता हूँ, देन ओके कर दी। तो अभी आप देख सकते हैं अप्लाई हो गया है। आप सोच रहे होंगे इधर क्यों नहीं अप्लाई हुआ, तो मैं आपको बता दूं मैंने अभी लगाई थी गटर पोजीशन, तो चलिए गटर पोजीशन को भी हटा लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने जो गटर पोजीशन लगाई थी एक कर रखी है, तो मैं इसको जो है गटर पोजीशन को कर देता हूँ यहाँ पे जीरो, और देन कर दिया ओके। तो अभी देख सकते हैं ये हो गया हमारा अप्लाई। गाइस एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि अपने टेस्ट को कोने में कैसे पहुंचाएं, तो ये भी आपका हल हो गया। कोई भी कहे टेस्ट कैसे कोने में पहुंचाएं, सिंपल मार्जिन को जीरो करो टॉप की, और लेफ्ट साइड की भी मार्जिन को जीरो करो, आपका टेस्ट ऑटोमेटिक बिल्कुल कॉर्नर में पहुंच जाएगा। आपने कई सारे बुक्स में देखा होगा बिल्कुल यहाँ पर लिखा होता है। गाइस आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो के कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों, लिखना बिल्कुल मत भूलना। अगर अच्छी लगी हो तो अच्छी लिखना, अगर खराब लगी हो तो खराब लिखना दोस्तों। मुझे मुझे कोई अगर कुछ बताता है, कुछ सिखाता है, तो मैं उसे अपना गुरु मानता हूँ दोस्तों। तो चलिए यहीं पर वीडियो को अंत करते हैं वीडियो का, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।